न्यायियों की पुस्तक अध्याय 15। न्यायियों की पुस्तक अध्याय 15। परंतु कुछ दिनों बाद गेहूं की कटनी के दिनों में शिमशोन ने बकरी का एक बच्चा लेकर अपनी ससुराल में जाकर कहा, मैं अपनी पत्नी के पास कोठरी में जाऊंगा। परंतु उसके ससुर ने उसे भीतर जाने से रोका, और उसके ससुर ने कहा, मैं सचमुच यह जानता था कि तू उससे बैर ही रखता है, इसलिए मैंने उसे तेरे संगी को ब्याह दिया। क्या उसकी छोटी बहन उससे सुंदर नहीं है? उसके बदले उसी को ब्याह ले। शिमशोन ने उन लोगों से कहा, अब चाहे मैं पलिश्तियों की हानि भी करूं, तो भी उनके विषय में निर्दोषी ठहरूंगा। तब शिमशोन ने जाकर 300 लोमड़ियां पकड़ी और मशाल लेकर दो दो लोमड़ियों की पूंछ एक साथ बांधी और उनके बीच एक एक मशाल बांधा। तब मशालों में आग लगाकर उसने लोमड़ियों को पलिश्तियों के खड़े खेतों में छोड़ दिया और पुलियों के ढेर बरन खेत खड़े खेत और जलपाई की बारियां भी जल गई। तब पलिश्ती पूछने लगे, यह किसने किया है? लोगों ने कहा, उस तिमनी के दामाद शिमशोन ने यह इसलिए किया कि उसके ससुर ने उसकी पत्नी उसके संगी को ब्याह दी। तब पलिश्तियों ने जाकर उस पत्नी और उसके पिता दोनों को आग में जला दिया। शिमशोन ने उनसे कहा, तुम जो ऐसा काम करते हो, इसलिए मैं तुमसे पलटा लेकर ही चुप रहूंगा। तब उसने उनको अति निठुरता के साथ बड़ी मार से मार डाला। तब जाकर एताम नाम चट्टान की एक दरार में रहने लगा। तब पलिश्तियों ने चढ़ाई करके यहूदा देश में डेरे खड़े किए और लही में फैल गए। तब यहूदी मनुष्यों ने उनसे पूछा, तुम हम पर क्यों चढ़ाई करते हो? उन्होंने उत्तर दिया, शिमशोन को बांधने के लिए चढ़ाई करते हैं कि जैसे उसने हमसे किया वैसा ही हम भी उससे करें। तब 3000 यहूदी पुरुष एताम नाम चट्टान की दरार में जाकर शिमशोन से कहने लगे, क्या तू नहीं जानता कि पलिश्ती हम पर प्रभुता करते हैं? फिर तूने हमसे ऐसा क्यों किया है? उसने उनसे कहा, जैसा उन्होंने मुझसे किया था वैसा ही मैंने भी उनसे किया है। उन्होंने उससे कहा, हम तुझे बांधकर पलिश्तियों के हाथ में कर देने के लिए आए हैं। शिमशोन ने उनसे कहा, मुझसे यह शपथ खाओ कि तुम मुझ पर प्रहार न करोगे। उन्होंने कहा, ऐसा न होगा, हम तुझे कसकर उनके हाथ में कर देंगे, परंतु तुझे किसी रीति मार न डालेंगे। तब वे उसको दो नई रस्सियों से बांधकर उस चट्टान में से ले गए। वह लही तक आ गया था कि पलिश्ती उसको देखकर ललकारने लगे। तब यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा और उसकी बाहों की रस्सियां आग में जलते हुए सन के समान हो गई और उसके हाथों के बंधन मानो गलकर टूट पड़े। तब उसको गधे के जबड़े की एक नई हड्डी मिली और उसने हाथ बढ़ाकर उसे लेकर 1000 पुरुषों को मार डाला। तब शिमशोन ने कहा, गधे के जबड़े की हड्डी से ढेर के ढेर लग गए। गधे के जबड़े की हड्डी ही से मैंने 1000 पुरुषों को मार डाला। जब वह ऐसा कह चुका तब उसने जबड़े की हड्डी फेंक दी और उस स्थान का नाम रामत लही रखा गया। तब उसको बड़ी प्यास लगी और उसने यहोवा को पुकार के कहा, तूने अपने दास से यह बड़ा छुटकारा करवाया है, फिर क्या मैं अब प्यासो मर के उन खतनाहीन लोगों के हाथ में पड़ूं? तब यहोवा ने लही में ओखली सा गड्ढा कर दिया और उसमें से पानी निकलने लगा, और जब शिमशोन ने पिया तब उसके जी में जी आया और वह फिर ताजा दम हो गया। इस कारण उस सोते का नाम एन हक्कोरे रखा गया। वह आज के दिन तक लही में है। शिमशोन तो पलिश्तियों के दिनों में 20 वर्ष तक इसराइल का न्याय करता रहा।